देखिए, जिस तरह से हमें आज सुबह एक चिट्ठी मिली जिसमें OBCC ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि जहाँ पे ये लाइन्स कैप्चर मिल रहा है विच इज़ रनिंग इन मीडिया, उसको आके इन्वेस्टिगेट करिए और आसपास देखें क्या है। तो हमने आकर के यहाँ पर लाइन्स कैप्चर जो आज हमने देखा है वो वही लाइन्स कैप्चर है जो हमने ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट की हुई है, सेम लाइन्स कैप्चर्स हैं। और इसके अलावा हमने जो MR मठ की जो साइट है इसके आसपास में हमने थरो इन्वेस्टिगेशन किया है, कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद में आपको बताएंगे। देखिए ये जो लाइन मिला है ये डेफिनेटली गंगा पीरियड का हो सकता है। अभी मेरे को और इन्वेस्टिगेशन करना है, मेरे को देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको मैं बताऊंगा। ये रिजर्वेशन कैसा होगा इसका? वो ASI पे आप छोड़ दीजिए, ASI करेगा उसको। आर्कियोलॉजिकल एक्ट क्या जो अभी चल रहा है, अभी अगर कुछ आगे यहाँ पर काम करेगा तो आगे टूट जाएगा सर, क्या कुछ आगे होगा? देखिए नहीं, अब मैंने जो बोलना था इन्वेस्टिगेशन के बारे में बोल दिया, एंड थैंक यू। आप लोग सब समझते हैं कि मामला अभी कोर्ट के अंदर है और इसको अभी इतना मत उठाइए। आगे कैसे खुदाई होगा? आगे कैसे खुदाई होगा? देखिए खुदाई होगा कि नहीं होगा, क्या करना है, ये सब का मैं आपको अभी जवाब नहीं दे सकता जब तक मेरा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता। मैंने सैंपल कलेक्ट किया, देखिए देखिए अभी 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 हमने कुछ सैंपल कलेक्ट किया, मैं बोल रहा हूँ आपको हमने सैंपल कलेक्ट किया है। इसके अलावा हमें एक वॉल दिखी है और इसको हम लोग डिटेल स्टडी करके हम लोग अपना रिपोर्ट सबमिट कर देंगे।